अब खबर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई से थाना प्रभारी सुनील लाटा को मानव अधिकार भोपाल में डीएसपी बनाए जाने पर थाना परिसर में स्टॉफ द्वारा विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीओपी सुश्री नम्रता सोधिया, तहसीलदार सुधीर जैन की उपस्थिति में थाना स्टॉफ द्वारा थाना प्रभारी सुनील लाटा को भावभीनी विदाई दी गई। विदाई समारोह में सुनील लाटा को फूलमाला, पुष्पगुच्छ, स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया गया। वहीं उपस्थित पत्रकारों ने भी थाना प्रभारी सुनील लाटा के डीएसपी बनने पर बधाई और शुभकामनाएं प्रेरित कर उज्ज्वल भविष्य की कामना की। मुलताई थाना स्टॉप ने थाना प्रभारी सुनील लाटा के साथ काम करते हुए प्राप्त अनुभवों को साझा किया। वहीं एसडीओपी सुश्री नम्रता सोधिया ने अपने उद्बोधन में कहा कि थाना प्रभारी सुनील लाटा से उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्हें पुलिसिंग का बहुत अच्छा ज्ञान है। मानवाधिकार भोपाल में डीएसपी बने सुनील लाटा ने बताया कि विगत काफी लंबे समय से बैतूल जिले में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डीएसपी पद पर प्रमोशन होने पर भोपाल जा रहा हूं, जल्दी आपके बीच वापस आऊंगा। और मेरे साथ अंदर से कंधा मिलाकर काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी, बस 2016 में मेरा आगमन हुआ था मुलताई में और यहीं से मैं वापस जा रहा हूँ। तो मुझे मुलताई एक अलग नगरी है, काम करते करते पता ही नहीं चलता कि समय कब निकलता। और जिले में मैंने सभी जगह नौकरी की प्रायः था, तो मुलताई का जो वातावरण है तो इतना पीसफुल शहर है ये, समय का खैर पता तो नहीं लगता है और व्यस्तता इतनी रहती है कि अगले बातों में कहीं ध्यान ही नहीं होता। सभी लोगों का, पत्रकार साथियों का अच्छा तालमेल रहा, उसकी तैनाती में गगन जी भाई लोगों ने अभी भी सभी ने सहयोग दिया। किसी प्रकार की कोई समस्या सामने खड़ी नहीं हुई और धार्मिक त्योहारों में ही पूरा समय व्यतीत हो गया। तहसीलदार साहब के साथ भी अच्छा अनुभव रहा मेरा काम करने का और मुझे बड़ा दुख है कि मैं जल्दी बीच में छोड़ के जा रहा हूँ। तहसीलदार साहब बहुत अच्छे सुलझे अधिकारी हैं। तहसीलदार साहब किसी भी समस्या को कैसे निपटाना है पीसफुल ढंग से, ये कला तहसीलदार साहब ने मेरे भी विशेष रूप से सीखी। क्योंकि मेरा स्वभाव थोड़ा सा पूरे टाइम का रहा शुरू से, तो घर के और उम्र के हिसाब से धीरे धीरे संपर्क, लोगों से मेल जोल, अच्छे बुरे की पहचान, फील्ड में कौन अच्छा है कौन बुरा है, तो एक लंबा कार्यकाल जिले में मेरा रहा। 92 से जिले में मैंने सर्विस की और मेरा तो यही सभी लोगों से कहना है, साथी अधिकारी कर्मचारी से, अच्छे बुरे की पहचान बहुत जरूरी है। समाज में 5 या 10% लोग बदमाश होते हैं, उनके साथ कैसे ही ट्रीटमेंट करेंगे कहीं समझता नहीं है। वो जो सम्मान के लायक है उसको सम्मान देना चाहिए, उसको पूरा सम्मान दिया तो आपको कहीं किसी प्रकार की समस्या नहीं है और लोग आपका सपोर्ट करते हैं। तो आप सभी को धन्यवाद, मेरे को यहाँ सम्मान दिया आप लोगों ने, सभी साथी कर्मचारियों का। और उसमें मेरे से कोई गलती हुई हो थोड़ा सा, मैं कहीं कहीं गुस्सा ज़्यादा हो जाता हूँ बोलचाल में, उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे, धन्यवाद। लगभग पोस्टिंग भले ही साथ नहीं रही पर आशीर्वाद हमेशा सर का साथ ही रहा है और बहुत बहुत एक्सपीरियंस सर से सीखने को बहुत कुछ मिला, बहुत बहुत सारी यादें हैं। पर सबसे अच्छा जो मुझे सर का लगता है वो ये कि सर का जो पर्सनालिटी है वो मुझे ये लगती है कि सर टीआई अगर कोई है तो वो ये पर्सनालिटी है। कभी कभी हम जब सचिन तेंदुलकर को देखते हैं तो लगता है कि वो क्रिकेट खेलने के लिए बना है, या लता मंगेशकर जी थी तो लगता था कि गाने के लिए वो तो ये है। वैसे अगर टीआई पोस्ट अगर है तो वो आइडियली जो सर की पर्सनालिटी है, सर का जो एटीट्यूड है, सर की जो वॉक है जब वो थाने में एंटर करते हैं या जब वो फील्ड पे रहते हैं, तो मैंने हमेशा देखा है कि एकदम अलग ही उनका ऑरा है। और वो हनुमान चालीसा में एक लाइन है कि वो बोलते हैं कि मैं तुम रक्षक का हो को डरना, तो जब सर
अगर थाने में रहते हैं तो कोई बला आला सब दूर रहती है, कुछ नहीं आता। इतना इतना अच्छा फील्ड ऑफिसर, मतलब मैंने मेरी 5 या 6 साल की नौकरी है, मैंने सर के अलावा मैंने इतना अच्छा फील्ड ऑफिसर और सर प्रमोट हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बधाई की बात है। पर मैं तो चाहता था कि सर डी आई ही रहे हमेशा। इतना लगाव है मुझे, तो पर्सनली मैं सर से बहुत अटैच हूँ। अंदर की बातें हैं मतलब कह नहीं सकते, पर सर से हमेशा कोई भी बात हो ऐसा रहता है कि सर के थाने की बात थाने में ही ख़त्म हो जाती है। मतलब उसके ऊपर फिर कहीं कोई थाना नहीं लगता, ना कोई पुलिस अधीक्षक कार्यालय है, ना कोई आईजी कार्यालय, सारी समस्याएं सारा समाधान वहीं है। और सर हमेशा जहाँ भी रहें ऐसे ही इसलिए बनाए रखें अपने स्टाफ पे, और एक बार से कामना करूँगा कि फिर से सर के साथ काम करने को मांगा मैंने। रिलेटेड हो क्योंकि उनका अनुभव इतना ज़्यादा है, लगभग 30 साल का अनुभव है, और मैं नई नई आई थी तो मेरे लिए उनके अनुभव से चीज़ें सीखना काफ़ी प्रभावशील रहा उस समय और काफ़ी हेल्पफुल रहा। लाटा साहब को काफ़ी अनुभव है और वो पर बताते तभी है जब आप उनसे पूछोगे। सामान्यतः यदि आप उनसे नहीं पूछोगे तो वो आगे बढ़ के आपको कोई ज्ञान नहीं देंगे, बाकी उनको ज्ञान भरपूर है पूरी दुनिया का। तो लाटा साहब के साथ जो मेरा वैसा अनुभव रहा फील्ड का, वो बहुत अच्छा रहा, बहुत शानदार रहा। उन लोगों को किसी भी केस में किसी भी आरोपी को डिटेक्ट करने में कोई परेशानी बहुत ज्यादा मुझे गई नहीं। अभी भी हम एज ए टी आई अच्छा ही काम कर रहे थे, TI SDOP, परंतु ये तो सौभाग्य है, बहुत अच्छी बात है। काफ़ी दिन से चर्चाएं चल रही थी कि वो DSP बन जाए, काफ़ी लंबा समय हो गया है और इनके बैच को शायद काफ़ी परेशानियां भी झेलनी पड़ी, बहुत लंबे लंबे समय में इनके प्रमोशंस हुए हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि वो यहाँ रहते हुए प्रमोशन पे जा रहे हैं और अभी तो सामान्य क्रम में जा रहे हैं, कुछ दिनों बाद बहुत जल्दी फील्ड पे आ जाएंगे। और उनका फील्ड पे आना अच्छा भी है क्योंकि उनको अनुभव बहुत है और उनके अनुभव से सब डिवीज़न बहुत अच्छा चलेगा। तो मेरी उनके साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, वो ऐसे ही उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहें अपने जीवन में और स्वस्थ रहें, यही मेरी शुभकामना।